आज की वीडियो में आपको हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाथों के लिए स्पेशल सोप बनाने का तरीका सिखाएंगे। जिन लोगों का रंग सफेद है लेकिन हाथ पांव काले हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ और पांव के अलावा आपने इसे चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है और चेहरे की स्किन बहुत ज्यादा हसास होती है। तो ये सिर्फ हाथ और पांव के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट पर है। जो लोग कहते हैं कि किसी भी रेमेडी और नुस्खे से हाथ बुरे नहीं होते, उनके इसके साथ हाथ बुरे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा साबुन एक चम्मच मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है, या छुरी से बारीक काट सकते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है अमोनिया सॉल्यूशन, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। 20-30 रुपए की बॉटल है ये, तो आपको ले लीजिए। ठीक हो गया, ये दो चीजें चाहिए, आप और से देख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया सॉल्यूशन और 1-1.5 चम्मच साबुन काटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको बनाते हैं। साथ में बताती चलूं कि दो ऑप्शन है। सबसे पहली ऑप्शन ये है कि आप एक पूरा साबुन या सोप बेस, यानी कि बिना बने हुए साबुन, खाली साबुन आप मार्केट से स्टोर से बेच सकते हैं, उसको कद्दूकस कीजिए। या कोई सा भी व्हाइटनिंग सोप आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। पहले इसको बनाने का तरीका बताऊं कि ये 1-1.5 चम्मच साबुन में मैंने 1 टीस्पून अमोनिया सॉल्यूशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये एक क्रीम की शक्ल में आ जाए। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम लगेगा, 5-7 मिनट पड़ा रहेगा, तो जरा जल्दी मिक्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे आपको करके दिखाना है, बना के दिखाना है, तो मैं यहाँ लाइव कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ तो तब तक मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप इसको पूरी तरह से बना के कैसे रख सकते हैं, तो वो हम एंड पे बताएंगे। तो ये देखिए हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें मुझे तकरीबन 7-8 मिनट लगे हैं बनाने में। ये क्रीम बन गई है। सिंपली आपने इसे अपने हाथ और पांव पे अप्लाई कर लेना है। जिनके हाथ और पांव बहुत काले हैं, डार्क हैं, किसी भी रेमेडी से व्हाइट नहीं होते, तो ये आपको फौरी तौर पे रिजल्ट देगा। एक ही दफा के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट वाजे तौर पे नजर आएगा और आपके हाथ पांव भूरे और चमकदार होंगे। इस पर लगाने के साथ मैं आपको बताती चलूँ की 5-6 मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा, एकदम से बिल्कुल ड्राई। तो तब आपने क्या करना है कि अपने पास शावर बॉटल रखी, यानी कि कपड़ों पर नमी लगाने के लिए जब आप कपड़े प्रेस करते हैं तो शावर जो होता है उसके जरिए, शावर बॉटल खरीद लीजिए, उसके जरिए से आपने अपने हाथों के ऊपर पानी का स्प्रे करना है। और ये आपको 20-25 मिनट आपने इसे लगा रहने देना है। 20-25 मिनट के दौरान आपको तकरीबन 3-4 दफा शावर करना है अपने हाथ के ऊपर, ताकि ये ड्राई जल्दी हो जाए। आपको पता है साबुन कितनी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपने इसको स्प्रे करके गीला करते रहना है कि हाथ के ऊपर रिजल्ट जो है वो आ जाए ज्यादा से ज्यादा। जिस तरह से हम ब्लीच अप्लाई करते हैं, हाथ के ऊपर अप्लाई कर लिया था मैंने इसको। अप्लाई करने के बाद ये देखिए कि ये ड्राई हो चुका है, तो ये शावर बॉटल है, इसके जरिए से मैं अपने हाथ के ऊपर स्प्रे करूंगी ताकि ये दोबारा से गीला हो जाए। और इसको दोबारा से ब्रश की मदद से आपने ब्लीच करना है। देखिए मेरे हाथ के ऊपर सोप तकरीबन वैसे है, बहुत ज्यादा क्लीन में नहीं आया था, बट मेरी आपने इसे ज्यादा अच्छा बनाना। तो उसके बाद 3-4 दफा करने के बाद ये देखिए कितना ज्यादा ड्राई हो चुका है। लेकिन अब मुझे 25 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसको शावर नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैंने इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको बता दें कि स्टोर किस तरह से करना है और आपको कितना टाइम लगे रहना देना है। अब मैंने इसको वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद रिजल्ट आपके सामने, यहाँ तक के हाथ मेरा बिल्कुल स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया और आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा होगा मेरे हाथ के ऊपर। और आपको ये 25 मिनट के बाद ऐसे रिजल्ट इंशाल्लाह आपको भी नजर आएगा। अगर आपके हाथ मेरे से थोड़े कम काले हैं तो आप जो है वो इसको 2 दफा इस्तेमाल करिए, लेकिन 1 दफा में ही आपको खातर का रिजल्ट मिलेंगे जो आपको खुश कर देंगे इंशाल्लाह। अब सारी बातें हो गई हैं, अब फाइनली जो हमें बातें करनी है वो करनी है इसको स्टोर करने के मुताबिक, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना, लेकिन जो बना रही हूँ वीडियो वो उतना भी जरूरी है मेरा बनाना, क्योंकि मैं सब कुछ इसमें मिस नहीं कर सकती। तो जल्दी से आते हैं। पहली ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्यों करिए कि एक साबुन लेके जो आप व्हाइटनिंग सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तिपत ले सकते हैं, लक्स ले सकते हैं, डव साबुन ले सकते हैं, जो अच्छा है उसको आप छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लें या उसको आप बारीक कद्दूकस कर लें। जितना बारीक काटेंगे उतनी जल्दी मिक्स हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, लेकिन गर्म करने में हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गर्म मटेरियल के अंदर हमें जो है वो ये बाकी चीजें नहीं मिलानी। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि आप इसको बारीक काटने हैं, कद्दूकस करना है, कर लिया। उसके बाद अगर आपने पूरा सोप लिया, पूरा सोप अगर लिया, तो उसमें 4-4 टीस्पून आपने पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 4 टीस्पून अमोनिया सॉल्यूशन मिलाना है, और उसको दोबारा से किसी सांचे में, गत्ती में, किसी बर्तन में डाल के
आप जमा लीजिए, बहुत जल्द जम जाएगा। तो आपका सोप तैयार है, इसे चेहरे पर अप्लाई नहीं करना मैं बता रही हूँ, बाकी हाथ और पांव पे अप्लाई करें। मर्द भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। देखिए जब लगा के इसको रखना है तो इसको बॉयज अप्लाई नहीं करें, क्योंकि 20-25 मिनट ये लगा रहेगा तो थोड़े से आपके बाल भी जो है वो गोल्डन होंगे। बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं है कि सारे व्हाइट हो जाएंगे, थोड़े से गोल्डन आपके बाल हो जाएंगे। और अगर आप इतने से गोल्डन हाथों के ऊपर ही सिर्फ लगाएं, अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको बुरे नहीं लगते, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तो बॉयज भी इसको लगा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर सिंपली आप इसे दिन में 3-4 दफा इससे हाथ धो लें तो आपके बाल जो है वो गोल्डन नहीं होंगे लेकिन आपके हाथ साफ हो जाएंगे। इस तरीके से बॉयज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने वीडियो के अंदर ही बता दिया। एक ऑप्शन ये सोप बनाने वाली थी, दूसरी ये है कि आप इसे 7 दिन इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए जिस तरह से मैंने करके दिखाया। 7 दिन करने के बाद आप सोप बना लीजिए, फिर आप रोजाना 1-2 दफा अपने हाथ से धो लीजिए, तो आपके हाथ जो है वो पहली दफा में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पहले 7 दिन इस तरह से अप्लाई करने का इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम सोप बना के 25 मिनट अप्लाई करेंगे तो वो इतनी क्वांटिटी में अप्लाई भी नहीं होगा और वो ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा और स्लो आएगा। पहले 7 दिन इस तरह से अप्लाई करने से ये होगा कि हाथ बहुत ज्यादा गोरे हो जाएंगे, फिर आप इसको रेगुलर जो है वो 1-2 दफा हाथ धोते रहे ताकि ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा अमोनिया सोल्यूशन भी हमें इस्तेमाल नहीं करना। डेली इस तरह से आपने नहीं इसको करना, फिर बस सोप की शक्ल में बना के रख लीजिए और उससे आपने अपने हाथ को धो लेने। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं आप लोगों को क्लियर करने के दौरान, ही वीडियो लंबी हुई है क्योंकि आप लोगों ने स्टोर करने का भी मुझसे पूछना था, तो इससे तमाम तरीका मैंने बता दिया है। आप वीडियो को अगेन एंड अगेन सुन के तमाम सवाल आपके जवाब इसी में पा सकते हैं। तो जल्दी से लेसन की तरफ चलते हैं इससे पहले की वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, जिसमें आपको ये कहना चाहेंगे कि लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद करती हूँ ये हजरत अली का कॉल जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बेशक उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, बहुत फैक्ट कहा। और आजकल का दौर यही है कि हम चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच